हाय गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत पे। बजे है 4:30 है और वैसे ही थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो जाते हैं। तो घर से निकल गई हूँ, मेरी गाड़ी इधर पड़ी है बाहर, जो मेरा किचन का दरवाज़ा है वहाँ पड़ी है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत पे, तो आप लोग वीडियो में आगे तक रहना। बस ऐसे ही घूमने के लिए जा रही हूँ, घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसे घूम के आ जाऊँगी अभी। तो आप लोग भी मेरे साथ रहना। तो चलो मिलते हैं खेत पे जाके। तो ये है हमारा नज़ारा, देख सकते हो आप रास्ते का। देखो एक मिला, ये है नहीं, ऐसे दोस्त थे जो यहाँ बहुत बोर होते हैं, लेकिन नहीं एक ही जो बोर खाने के लिए काटा चुकता है इसका। यहाँ तो नहीं है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ से हमारी खेत का रास्ता है, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन मेरी गाड़ी नहीं जाएंगी इधर, ये घूम के जाना पड़ेगा, मैं इसे घुमा के ले जाऊंगी। पता नहीं आगे मिलेगी कि नहीं बोर, अभी चाबी लगा देते हैं। कोई रहने नहीं देता, सब रास्ते में निकलते हैं ना, खा लेते हैं सब। चलो आगे मिलते हैं। जय गिरनारी, ओम नमो नारायण। तो अबे जो आश्रम ની મુલાકાત લેવી પડી, આશ્રમ છે આખરી બનાવી, શાક બનાવ્યું રીંગણાનું અને દૂધ મંગાવી લીધું ગોળ, અરે સરસ સરસ, ઓર્ગન ઓર્ગન બધું હતું, નેચરલ એમ, દૂધ પાક બનાવવાનું, બોલો આશ્રમ માં કઈ ઘટે છે? આપણે જ બધાને બહુ ઘટે છે, પ્રસાદ ના જાય એવું છે,
तो फाइनली मैं खेत पे पहुंच गई हूँ और देखो आज तो कोई है नहीं खेत पे। जब भी मैं खेत पे आती हूँ कोई रहते ही नहीं है। वो क्या है, स्कूटी मेरे पास रहती नहीं, गाड़ी के बिना तो मैं कैसे आऊंगी। और वैसे भी आज कृष की छुट्टी थी ना, तो शनिवार तो फिर सैटरडे था तो आ गया जल्दी जल्दी स्कूल से, फिर मैं लेके आ गई गाड़ी। अभी सब देखो ये क्या है, पापड़ी सब्जी, पापड़ी बापड़ी बैगन सब रखे हुए हैं। तो ये है हमारी खेत, पपैया, देखो कैसा कितना मस्त नजारा है। अभी इसमें गेहूं, ये है प्याज, सॉरी ये सब प्याज डाली है, इतनी बड़ी सभी में प्याज डाल दी है और इतनी छोटी छोटी हो गई आप लोग देख सकते हो। तो सोचा आज तो खेत पे जाऊं और ये सामने, वो सामने जो डूंगर दिख रहा है ना, वो देखो उसका शेप है ना एलिफेंट जैसा है, और वो दोनों हाथी और हाथनी हस्बैंड वाइफ है। हम लोग तो ऐसा बोलते हैं इधर। तो आज तो ऐसा लगा कि जाना ही है खेत पे और मुझे खाना है बोर, लेकिन इधर तो कभी कहीं भी बोर नहीं मिल रहा। कोई सब लोग आते हैं ना खा लेते हैं, और यहाँ तो मैं चल भी नहीं सकती, सब गीला है। देखो सामने होगा बोर लेकिन सब गीला है तो कैसे जाऊंगी। और जसू और मुकेश बापू है, मुकेश भारती बापू, और शिव कथाकार है जो अभी आपने आगे देखा ना, तो शिव कथाकार है, वो कथा करते हैं सब आउट स्टेट में, सभी जगह राजस्थान मध्य प्रदेश में सभी जगह वो अपनी कथा सुनाते हैं। और तो दोनों ऐसे ही बैठे हैं, आज सुबह में आए थे तो सब अपने हाथ से खाना सब बनाया और सत्संग करते हैं। तो अभी उसका भी सत्संग हम सुनेंगे थोड़ा सा, तो आप लोग वीडियो में आगे तक रहना। वैसे वो लाइव आएंगे तो लाइव में सुनेंगे, तो आप लाइव में जाके देखना। और अच्छी कथा वो सब करते हैं, और हरिद्वार में उसकी कथा अभी मई महीने में शुरू होने वाली है, अभी तो देर है 5 महीने की, मई महीने में है। खेत का नज़ारा ही अच्छा है, सब हरियाली। वो ट्रैक्टर था वो तो चला गया, पता नहीं किधर गया, अभी पूछूंगी। कितनी बड़ी खेत हमारी है ना, तो 100 बीघा है, कितनी 100 बीघा। और देखो सब, मैं तो काम तो इसमें नहीं कर पाती लेकिन ऐसे ही नहीं चल पाती, खाली खाली भी चलना पड़ता है ना, तो भी मैं नहीं चल सकती, तो खेत का काम तो मैं कैसे करूंगी। देखो ये भी पपैया, सभी जगह पपैया पपैया पपैया, और इधर हमारा मकान भी है। जसू तो बोलते हैं चलो खेत पे ही रहने के लिए चले जाएं, अच्छा लगेगा। मैंने बोला टाइम आएगा ना तो इधर ही रहेंगे। अभी चाय बन रही है, देखो इसमें क्यों फटफट था इस। दुमाड़ा था इस। आधे घंटे से पक रही है चाय हमारी, पता नहीं उसको कितनी पकानी है।
अभी देखो हमें से हिचका खा रहे हैं, वो लोग उधर बैठे हैं, चसू सब बैठे सत्संग करते हैं। वो राजस्थान से फोन आया, सब बात कर रही हूँ और मैं इधर बैठी हूँ। अपना आशीर्वाद दो, बाकी मजामा एकदम। फिर जब भी खेत पे आती हूँ ना तो अच्छा लगता है। एक दिन तो इधर रात रुकना है, लेकिन शेर का डर लगता है। कोई नहीं है ना, जब सभी लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है, कोई नहीं है तो। चलो मैं आऊँ, मैं अपनी टेरेस पे जाते हैं, टेरेस दिखाती हूँ अपनी। देखो तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, खेत पे जाएंगे। मैं भी पहली बार, ससु को अच्छा लगता है इधर पे। देखो कितना अच्छा नज़ारा है, देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सब। ये जब धूप निकलेगी ना समर में तो जो सुई इधर ही सोएंगे, अभी तो विंटर है तो फिर आप लोग देख सकते हो। सब गेहूं है उधर पे और मेरी गाड़ी भी खड़ी है। सब देखो यहाँ से अच्छा है सब नज़ारा। देखो ये आंवले का पेड़ है, लेकिन आंवला एक भी नहीं आता है और मैं ऊपर हूँ, टेरेस पर चढ़ी हूँ खेत पे, तो नज़ारा भी बहुत अच्छा है यहाँ का। सब और हम जब छोटे थे ना, जब हम छोटे छोटे थे ना तब हम ये पत्तियाँ बहुत खाते थे, ये आंवले की पत्तियाँ मस्त लगती हैं। अच्छा है, खेत पे मजा आती है। सब इधर खाना बाना पका लेते हैं नीचे, फिर इधर ऊपर खाने के लिए आ जाते तो बढ़िया रहता है। अभी आएंगे एक दिन, खाना बना इधर पकाएंगे। और देखो हमारा खेत कितना बड़ा अच्छा है, सब गेहूं 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 हरा हरा। देखो ये पानी का होज। तो फाइनली हम घर पर पहुंच गए हैं और 7 बज चुके हैं। खेत से आने के बहुत देर हो चुकी, वहाँ ऐसे वो साधु महात्मा बैठ गए थे, उसके साथ सत्संग लगा लिया, तो अभी आ गए हैं और फिर कुछ खाना बना बनाएंगे। अभी किचन में तो कुछ है नहीं, सब गैस ऐसे ही पड़ा है, तो भूख भी बढ़िया लगी है। तो मिलते हैं खाने के वक्त, तब तक मैं खाना पका लूँगी हूँ, बाद में हम लोग मिलते हैं, सही है ना? क्या खाएंगे आज? मम्मी आशो करो थे। आ देख पूरी बैटरी मेरी जल गई। इधर आ, देखो YouTube फैमिली, पूरे दिन मोबाइल में रहने की ये चल गई। अभी गाय को खिला दे, क्रिश तू खा ले नहीं। हाँ मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख लगी,
खाना खाना है कब बनेगा? अभी बनाती हूँ खाना। अभी मैं खेत पे गई थी पता है ना, बोर खाने के लिए। कौन कौन? ये दूसरी भी जल जाएगी देख, दूसरी भी जल जाएगी। आखरी सब्जी कौन सिखाएगा बोल? अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता, भूख लगी है, खाना खाना है। दो पेड़ में भी मैंने कुछ नहीं खाया था। हाँ तो चल अभी गरम गरम खाना खा ले। तारा भी खाना है। तो खाना खा लिया है, बज चुके हैं रात के 8 और क्रिश भी अपना फोन लेके देखो कैसे पैर हिला रहा है। और मैं भी खाना खा लिया मैंने भी। और अभी सब दरवाजा बरवाजा लॉक कर देंगे, सोने की तैयारी करेंगे। ठंड बहुत है। और ये देख छे ना चार्जिंग में मोबाइल राखी नो जी आवी रीते જોવાનું એને જમીને ના ના પડ। તો મિલતે હૈ સુબહ સુબહ મેં, ક્યુંકિ અબ તો નીંદ આ રહી હૈ, સો જાના હૈ। તો આજ કા વિડિયો યહી ખતમ કરતે હૈ। તો કલ નય દિન મેં નય વ્લોગ મેં સુબહ મેં મિલેંગે। તબ તક કે લિયે બાય બાય, જય મહાકાલ।